हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये चार स्केल में आपका कमांड हो जाए, इस उद्देश्य के साथ ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ। सी शार्प से मैंने एक वीडियो बना के दिया था जिसमें लीडिंग और कॉर्डिंग, कॉर्ड पकड़ने की आदत आपके फिंगर को हो जाए, इस ख्याल से मैंने वो वीडियो दिया था। पैटर्न एक था एडवांस अलंकार का, उसके साथ साथ कॉर्ड था। ओके, तो अलग अलग जगह से गाने की आदत सभी को रहनी चाहिए। और दूसरी बात कि हर एक लोगों का वॉइस रेंज अलग अलग होता है, उस अकॉर्डिंग आप को अलग अलग स्केल में मैं ये कंपोजिशन दिखा देता हूँ। कॉर्ड पोजीशन चेंज रहेंगे। अभी कहाँ कहाँ से देखना है, ब्लैक 4 से देखना है, ब्लैक 5 से देखना है, और एक सी नोट आता है, वाइट नोट। टोटल का टोटल जो मेन स्वर मैंने बताया था पिछले लेसन में, वो भी डाल दूंगा लिंक, कि ओनली वाइट नोट बिलावल में बजाएंगे तो ओनली वाइट नोट का एक स्केल बताऊंगा। तो 1, 2, 3 और सी शार्प से ऑलरेडी ब्लैक से बता चुका हूँ, तो एक डी शार्प से बता दूँगा। 1, 2, 3 एंड 4 जी शार्प, ए शार्प, सी एंड डी शार्प, यहाँ से हमको ये एक कंपोजिशन देखना है लीडिंग और कॉर्डिंग का। इत्मीनान से देखिएगा, बहुत आराम से मैं बजा रहा हूँ, वैसे ये कंपोजिशन बहुत फास्ट होता है। ओके, कंपोजिशन क्या था, पहले तो ये काम करिए कि जी शार्प से सारे गमा बजाइए, सारे यही मेन स्केल है। हर एक अलंकार यहाँ से बजाना चाहिए, जो वीडियो के अंदर डाल के मैं भेजा। ओके, अब जो मेन कंपोजिशन है उस पर आते हैं। कंपोजिशन क्या था, कैसे कैसे कॉर्ड बनेगा, सारे गरे सारे गे मा का कॉर्ड यहाँ लगा। ओके, फिर रे से शुरू करेंगे, रे गपनी, तो प में ये फिंगर अगर आप रख सकें तो बहुत आसानी से लगे गपनी। फिर ग से स्टार्ट करेंगे, ग म प म ग म प ध म ध सा का कॉर्ड लगा है। ओके, म प ध प म प ध नी, या तो गपनी या पनी रे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो कॉर्ड यहाँ का लग सकता है, गपनी या पनी। से प ध नी ध प ध नी सा म ध सा, ऐसे सा नी ध नी सा नी ध प ग प नी, नी से स्टार्ट करना है, नी ध प ध नी ध प म रे म ध। कॉर्ड आगे चल के कैसे कैसे यूज होता है, क्या बेनिफिट है, वो जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कॉर्ड जब लगाते हैं तो नेक्स्ट जो नोट है वो नोट हमको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, जहाँ से हमको नेक्स्ट स्टेप शुरू करना होता है। नी ध प ध नी ध प म, ऐसा या ऐसा दोनों कॉर्ड लग सकता है, ऐसे लगाए ध प म प ध प म ग सा ग प फाइन देख लें, फिर ए शार्प, फिर सी और फिर डी शार्प, कॉर्ड कैसे कैसे बनेगा, सारे गरे सारे गमा रे गमा गरे गमा पा गमा पा मा गमा पा धा पा। अच्छा, ये जो मैं पुश कर रहा हूँ, जैसे ध में इंड हुआ तो ध दबा के रखा हूँ, बाकी जो दो नोट कॉर्ड का है उसको बीट के साथ ले रहा हूँ, ग म प म ग म प ध म प ध प म प ध नी प ध नी ध प ध नी सा।
फास्ट करें, आगे देखते हैं। ए शार्प से सारे हरे नोट से बजा सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ए शार्प से करेंगे सा सरगम सा रे ऊपर का नोट मिल जाएगा। ग म प म ग म प ध ओके म ये माधा सा म प ध प म प ध नी पनी रे ले सकते हैं आप ओके या ग पनी ले सकते हैं, ये दोनों पड़ी हो सकता है। म प ध प जाके ये भी ले सकते, यही ले शुरुआती में सानी धनी सानी धप गपनी नी धप धनी धप मध धप म प धप म ग साग प ले ले साई धनी 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 धन
स्केल में बजाएं आपका पूरा नियंत्रण होना है। ओके, अभी सी नोट जो मेन सा होता है, जो पहला नोट सी होता है, वही नोट से बजाना है पूरा सभी का सभी। आगे भी मैं चाहता हूँ कि ई नोट से जो व्हाइट नोट और भी हैं जिसमें लोग कम बजाते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से, ब्लैक नोट को ज़्यादातर लोग अपना सा बनाते हैं, लेकिन आदत रहनी चाहिए व्हाइट नोट से बजाने। पहले सिंपली सारे गमा सी से कैसे बजाएंगे, एक भी ब्लैक नहीं लगता है। सारे अंगूठा से शुरू करें, सारे जब ये तीनों फिंगर खत्म हो जाए, हालांकि कुछ लोग साइड फिंगर का भी यूज करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, जो करते हैं उनका भी सही है। सानी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सानी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सानी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सानी धा पा मा गा रे सा। तो इस हिसाब से पहले कर लें और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ें। कैसे करेंगे, कॉर्ड क्या क्या बनेगा, पूरा व्हाइट नोट एकदम सिंपली लेके चलें। सारे करे सारे गमा, चेंज करना पड़ेगा, मिडिल फिंगर लें या ये फिंगर लें, यहाँ से रे मा धा, फिर जहाँ से लास्ट नोट लगेगा वहाँ से फिर स्टार्ट करना है। रे गा मा गा रे गा मा पा गा पानी गा मा पा मा गा मा पा धा मा धा सा मा पा धा पा मा पा धा नी, पानी रे का कॉर्ड है। वापस सानी धनी सानी धापा, ऐसा कर लगा नी धापा धनी धापा मा, वही सब बोल रही मा धा धापा मा पा धापा मा गा सा गा पा पा मा गा मा पा मा गा रे शार्प बता देता हूँ, जो मंच पे गाने के लिए मेल हो या फीमेल हो, ज्यादातर मेल लोगों का ये स्केल बनता है। तो पहले सारे गाना यहाँ से बजाएं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, सा रे गा रे सा रे फिंगर अल्टरनेट करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, कर लेना है। रे गा मा गा रे गा मा पा गा पा नी गा मा पा मा गा मा पा धा मा धा सा मा पा धा पा मा पा धा नी, पानी रे का कॉर्ड है। सा नी धा नी सा,
ऐसा कॉर्ड लेना है जो यहाँ का कॉर्ड गप नहीं। त्रिगम गरिगम स्केल जिनका है उस स्केल में ज्यादा रियाज करना है, जो थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो हर एक स्केल में थोड़ा थोड़ा बजाना है। फिलहाल यशराज का जो होमवर्क है उस होमवर्क के साथ क्या होमवर्क उसको मैं दिया हूँ ये होमवर्क का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ओके।